दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न, जो कि रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि दुनिया के सबसे अलग प्रकार के जानवर भी इसी अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं। इस वक्त धरती का सबसे घना जंगल अमेज़न है और लिटरली इसके अंदर जाने के बाद ऐसा फील होता है कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। कई वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि अमेज़न के जंगल की गहराइयों में आज भी डायनासोर जैसे बड़े जानवरों के अस्तित्व जिंदा हो सकते हैं। अमेज़न के जंगल में आज के समय में ऐसे कौन कौन से राज छुपे हुए हैं जिनको वैज्ञानिक भी ढूंढने से डरते हैं? अमेज़न का जंगल इतना रहस्यमय क्यों है? और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि अमेज़न का जंगल किसी बाहर की दुनिया के लोगों द्वारा बनाया गया है। आखिर अमेज़न के जंगल की क्या सच्चाई है? आपने बहुत सारी मूवियों में वॉकिंग ट्री तो देखे ही होंगे, जो कि अचानक से जिंदा हो जाते हैं और चलने फिरने लगते हैं। मानो कि ऐसा कि अचानक से उनके अंदर जान आ गई हो और उनके दो चार हाथ पैर निकल गए हो। ऐसा सिर्फ मूवियों में देखने में ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि अमेज़न के जंगल में रियलिटी में वॉकिंग ट्री एग्जिस्ट करते हैं। अमेज़न के जंगलों में लिटरली कुछ ऐसे पेड़ों की प्रजातियां भी पाई जाती है जो कि सच में मूव करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पेड़ सच में चलते हैं, लेकिन ये पेड़ किसी मूवी की तरह नहीं चलते, बल्कि इनके चलने की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है। जिस तरफ सूर्य होता है, इन पेड़ों की जड़ें भी सूर्य की तरफ बढ़ने लग जाती है, और जो पीछे की जड़ें होती है वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। और ऐसे ही स्लोली स्लोली 3 से 4 महीने में ये पेड़ एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। वैसे तो आपने बहुत सारी नदियां देखी होंगी और उनमें नॉर्मली ठंडा पानी बहता है, लेकिन अगर मैं अमेज़न जंगल की नदियों के बारे में बात करूं तो वहां की नदियों में ठंडा नहीं बल्कि गर्म पानी बहता है। द बॉइलिंग रिवर, जो कि एक ऐसी नदी है जिसमें ठंडा नहीं बल्कि गर्म पानी बहता है। इस नदी का तापमान हमेशा 70 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है और अमेज़न जंगल की तरह ही ये नदी भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस नदी का पानी हमेशा उबलता हुआ क्यों रहता है, इस बात का पता तो अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। ये नदी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इस नदी के अंदर में अगर कोई भी पशु पक्षी या जानवर गिर जाता है तो वो डायरेक्ट खत्म हो जाता है। दोस्तों, मूवियों में आपने बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे देखे होंगे जो कि सच में इंसानों और जानवरों को खाते हैं। मूवियों में ऐसा दिखाया जाता है कि उन पेड़ों को मांस खाना पसंद है, इसलिए वो इंसानों और जानवरों का शिकार करते हैं। बट अगर मैं ऐसा बोलूं कि ऐसे पेड़ रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं जो कि मांस खाना पसंद करते हैं और ऐसे पेड़ सच में दूसरे पशु पक्षियों का शिकार करते हैं। अमेज़न के जंगल में रहने वाले आदिवासियों का ये मानना है कि उन्होंने सच में अपनी आंखों से देखा है उन पेड़ों को दूसरों का शिकार करते हुए। इन पेड़ों को आदमखोर पेड़ कहा जाता है, लेकिन इन पेड़ों की प्रजातियां अमेज़न के जंगलों में बहुत ही कम पाई जाती हैं। कम प्रजाति होने के कारण ये पेड़ उतने ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। इतने बड़े अमेज़न के जंगल में अमेज़न का पूरा रहस्य जानने के लिए साइंटिस्ट कई सदियों से रिसर्च कर रहे हैं। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने अमेज़न के जंगल में रिसर्च करते हुए एक ऐसे जानवर को देखा था जो कि एक आधा इंसान और आधा जानवर की तरह दिखाई दे रहा था, और उस क्रिएचर की हाइट लगभग 12 फीट थी। माना जाता है कि इस प्रजाति के जानवर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। उस साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि रिसर्च के दौरान मैरी कोक्सी ने उनके ऊपर हमला भी कर दिया था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी गन से जमीन के ऊपर फायर किया और मैरी कोक्सी डर के भाग गया। अमेज़न का जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसके कई सारे रहस्य ऐसे हैं जिनका पता हमें आज तक नहीं चला है। अमेज़न के कई रहस्य ऐसे भी हैं जो कि वैज्ञानिक हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहते। अगर अमेज़न की ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। चलिए, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।